हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट मैकेनिक इजहार। तो आज हमारे पास आई एफजेड वर्जन 1। तो इसमें दिक्कत आ रहा था भाई इंजन में, तो इसका इंजन हमने खोल रखा है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका इंजन। तो आओ भाई इसका इंजन दिखाते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे इसकी सफाई, क्योंकि भाई इसकी सफाई भाई आप देख सकते हो भाई, हमने एक एक चीज को भाई बिल्कुल क्लीन कर दिया। इसका चैम्बर दिखाओ, चैम्बर में एक जरा सा भी कहीं भी आपको मिट्टी वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि और इसके सारे नट बोल्ट भी देख सकते हो आप भाई, एक एक चीज जो है ना इसका चमक रहा है। क्योंकि मेन चीज है इसकी सफाई भाई, अगर आप सफाई ढंग से करोगे तो इंजन में जल्दी भी कोई भी कमी नहीं आएगा। तो इसको हम बांधते हैं, आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो, हमारी वीडियो में लगे रहो। इसका जो है करिंग फिट होने जा रहा है। तो भाई करिंग के अंदर सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। बाबा ऑयल डाल दो भाई। ये ऑयल डाल के हम चेक करते भाई कनेक्टिंग रोड तक पहुंच रहा ही नहीं। क्या होता है कभी कभी इसके अंदर जो जाम होता है, मिट्टी घुस जाता है, तो उससे भी हमारे करिंग में ऑयल नहीं पहुंचता, तो करिंग सीज मार जाता है। तो इसके दोनों बेयरिंग हमने नया डाल ही दिया और हम इसको कर रहे हैं फिट। तो इसका जो है पूलर भी आता करेंग बिठाने के लिए, तो हमारे पास पूलर भी है, हम पूलर से इसको बिठाएंगे। तो गाइस इसका एफजेड का जो देखो करेंग बिठाने का तरीका क्या है, क्योंकि इसका पूलर आता है और इसको हम यहाँ से टाइट करेंगे, क्योंकि ये करेंग में टाइट हो जाता है और इसको हम यहाँ से टाइट करेंगे, वो आसानी से बैठ जाएगा। क्योंकि भाई इसको अगर हम चोट मारेंगे तो भाई करेंग में दिक्कत आ सकता है और हमारा करेंग आवाज भी कर सकता है। तो इसको हम बिठा रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं। गाइस इसका करेंग बिल्कुल बैठ गया है, तो देख सकते हो भाई आसानी से बैठा, क्योंकि इसके अंदर जब हम पुलर लगाते हैं ना तो आसानी से बैठ जाता है। और एफजेड वर्जन 2 या एफजेड R15 उसका करेंग बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है, तो उसको जो है ना पुलर से ही बिठाया जाता है, क्योंकि इसमें चोट नहीं लगता, चोट मारोगे ये करेंग खराब हो जाएगा। गाइस इसका भाई सारा चीज़ गियर बॉक्स वगैरह बैठ गया, उसका करेंग भी बैठ गया, तो इसको हम कर रहे हैं बंद। करो बाबा लगाओ चैम्बर। तो भाई इसका चैम्बर भी बहुत ही आसान तरीके से बैठते हैं, इसमें कुछ ज्यादा ताकत लगाना नहीं पड़ता अपने को। तो गाइस कभी भी अगर आप इंजन का चैम्बर बिठाते हो तो भाई उसमें जो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है ये रबर वाला हैमर आता है, और क्योंकि भाई लोहे वाला अगर हम हैमर चलाते तो भाई उससे हमारे चैम्बर में निशान भी आ जाता है, और इससे जो आसान तरीके से हमारा चैम्बर बैठ जाता है, तो इस्तेमाल करना है आपको ये हैमर। गाइस इसका जो है चैम्बर हम पैक कर रहे हैं, उसके बाद फिर जो है सारा सामान इसमें फटाफट हम फिट करते हैं और आपको दिखाते रहते हैं, हमारे वीडियो में बने रहे। ये जो है किक शाफ्ट से कनेक्ट होता है ये गराड़ी, तो इसके अंदर जो है सबसे पहले एक वार्सल डलेगा, क्योंकि भाई ये वार्सल एक हो गया, दूसरा ये, और इसके अंदर एक ऊपर और एक वार्सल लगेगा। उसके बाद ये जो होगा लॉक, इसके ऊपर एक लॉक है। तो बहुत आसान तरीका है भाई इंजन बांधना, कोई ज़्यादा ये नहीं है, क्योंकि अगर आपको काम आता है तो आसान तरीके से आप इंजन बांध सकते हो। इसका है किक शाफ्ट, किक शाफ्ट के अंदर भी एक वार्सल होता है, देखो शाफ्ट में ये रहा वार्सल और ये हो रहा है फिट। लो किक शाफ्ट बिठाना बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। इसके स्प्रिंग कनेक्ट होके हमारा आएगा यहाँ पे, इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, और आप इसको घुमा के यहाँ लगा सकते हैं। नॉच प्लास इस्तेमाल करना, देखो आसान तरीके से किक शाफ्ट हमारा काम कर रहा है। देखो ये है किक शाफ्ट, और इसके अंदर जो है प्ले आनी चाहिए, अगर इसके अंदर प्ले नहीं आया तो हमारा जो है क्लच तरीके से काम नहीं करेगा, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर देखना है। तो गाइस इसका बैठ रहा है गियर चेंजर, और ये भी बहुत बिठाना आसान तरीका है। और इसके अंदर जो लगता है 5 नंबर एलेंकी बोल्ट, वो भी स्टार वाला एलेंकी बोल्ट, मैं आपको वो भी दिखा दूँ, ये स्टार बोल्ट है 5 नंबर एलेंकी वाला, तो आसान तरीके से ये भी लग गया हमारा। तो गाइस ये बैलेंसर गियर है, और उससे पहले लगेगा करेंग के अंदर ये वार्सल मोटी वाली, और उसके बाद लगेंगे हमारे बैलेंसर। दिखाओ लगाओ बैलेंसर के, आपको हम टाइमिंग भी दिखाते हैं। ये छोटे छोटे जो बूंदे दिए हुए, एक इस वाली में है और एक इधर दिया हुआ है, और इसको आपस में हमें मैचिंग करना होता है। अभी हम आपको दिखाते हैं मैचिंग करके। तो ये बिल्कुल हो गया है मैचिंग, और आपको यही रखना है, क्योंकि अगर
इसको अगर हम आउट कर दें तो हमारा बैलेंसर जो है करेंग के साथ टकराने लगेगा, तो देख सकते हो उसके बाद लगेगा हमारा प्राइमरी गियर। इसको हम प्राइमरी गियर बोलते हैं, बहुत अलग अलग इसका नाम है, बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं इसको जीपीटी पिनियन, असल में इसका नाम है प्राइमरी गियर। तो गाइस हाउसिंग से पहले हमारा लगेगा कि ये छोटा सा सीम है तो इसके अंदर हमें डालना है, और उसके बाद लगेगा हमारा हाउसिंग। कपड़ा मार दो, भाई तो सफाई जरूरी है क्योंकि भाई कोई भी काम कर दो ना, छोटी छोटी चीजें उसमें हाथ जरूर मारना है, कपड़ा साफ, क्योंकि भाई उससे हमारा इंजन बिल्कुल सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा जल्दी। इसका हाउसिंग जो है बैठ चुका है, और हाउसिंग के ऊपर एक और वार्सल लगेगा, तो भाई बहुत ये वार्सल भी। तो गाइस ये है ऑयल पम्प, ऑयल पम्प का तो आपको पता ही भाई ऑयल पम्प का काम क्या है, क्योंकि ये जो है जब रोटेट करता है तो भाई पूरे इंजन में ऊपर तक ऑयल देता है, अगर ये ख़राब हो गया तो हमारे इंजन हेड वगैरह में ऑयल नहीं पहुँचेगा, तो इसको ज़रूरी है हमें चेक करना। और उसके अंदर जो है ये है आपका एक स्क्रीन फिल्टर, ये स्क्रीन फिल्टर के अंदर गंदगी नहीं होना चाहिए, ये भी जो है ऑयल को छानने का काम करता है, जैसे कि ऑयल छन के हमारे इंजन के ऊपर आता है, तो ये स्क्रीन फिल्टर पे आप ज़रूर ध्यान दें, अगर आप क्लच भी खोलते हो तो इसको हमें साफ़ ज़रूर करना है। तो गाइज इसका हाउसिंग तक हमने इंजन बांध दिया है, और तो गाइज इसका क्लच प्लेट और हब सेंटर जो है ओरिजिनल आ चुका है, तो ये देखो ये इसका हब है और इसका ये रहा सेंटर। और तो गाइस इसका हब हो गया फिट, तो इसका हम देखो क्लच प्लेट है, ये इसमें दो तरीके के क्लच प्लेट होते हैं, देखो ये प्लेन है और इसमें देख सकते हो ये भी अलग क्लच प्लेट, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगता है क्लच प्लेट। इसमें से एक क्लच प्लेट हमारा जाएगा और लास्ट में सबसे ऊपर ये क्लच प्लेट आएगा, और ये दोनों क्लच प्लेट बीच में आएगा, तो मैं आपको ये भी दिखा दूँ सारा भाई और नहीं डल रहा है, क्योंकि भाई बाइक में पावर और प्रेशर प्लेट में भी जो है अलग होता है, क्योंकि भाई इसमें भी उल्टा सीधा होता है। मैं आपको प्रेशर प्लेट दिखा दूँ, जैसे अगर आपको समझ नहीं आता तो आपको सिर्फ ऐसे हाथ मारना, क्योंकि ये धारी टाइप का जो है ये ऊपर ही आएगा, ये देखो ये अंदर के साइड जाएगा, ये आ गया, ये आपका क्लच प्लेट, फिर आपका प्रेशर प्लेट, फिर आपका क्लच प्लेट, फिर प्रेशर प्लेट, और लास्ट में आएगा हमारा ये क्लच प्लेट, एक सबसे नीचे जाएगा और दूसरा ऊपर, ये रहा हमारा सेंटर, हमारा क्लच प्लेट डल चुका है और ये रहा इसका सेंटर, तो हम सेंटर लगाते हैं। तो भाई और हम उसको हम चेक भी कर लेते हैं हमारा क्लच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो भाई हमारा क्लच बिल्कुल देखो काम कर रहा है, तो हम फटाफट इसको करते हैं ओके, फटाफट हम लगाते हैं और उसके बाद इसका हम भाई कैम की टाइमिंग आपको दिखा देंगे भाई टाइमिंग चेंज जब डाल। तो गाइस इसका इंजन हो चुका है बंद, तो इसका हम कर रहे हैं आप सिलेंडर वगैरह डाल रहे हैं, तो ये रहा इसका पिस्टन, तो पिस्टन में हम रिंग बिठा रहे हैं, सबसे पहले हम करेंगे क्या लॉक लगाएंगे, क्योंकि हमें लॉक लगाना पहले होता है एक साइड, तो इसका हम लॉक बिठा रहे हैं आपको, उसके बाद हम रिंग भी दिखाएंगे भाई रिंग कैसे बैठता है। बहुत सारे भाई का कहना था कि भाई आप रिंग के बारे में नहीं बताते हो, तो हम आपको रिंग के बारे में ही बता देते हैं। लॉक बैठ गया, तो ये रहा इसका ऑयल रिंग, तो भाई अगर इधर से हम बनाएंगे तो W बन जाएगा, इधर से हम बनाएंगे M, तो हमारा बनेगा रिंग M, और आपको लगा रहा है इनलेट के ऊपर, और चार रिंग जो है ये हमारे चारों रिंग चार स्ट्रट के सामने आएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत आसान तरीका है भाई रिंग बिठाना, बहुत क्योंकि रिंग आसान है बिठाना,
कुछ ज़्यादा ये नहीं होता। इधर आप दिखाओ, ये हमारा है टॉप टू, और टॉप टू रहेगा हमारा, सारे रिंग हमारे स्ट्रेट के सामने ही आएंगे, और लास्ट में आ जाता हमारा टॉप वन। टॉप वन ये देखो हमारा रिंग होगा फाइनल। तो चारों रिंग हमने आपको बता दिया, चारों रिंग चारों स्ट्रेट के सामने होगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। ऑयल रिंग हमारा आएगा इनलेट के ऊपर। तो गाइस फाइनली हो गया हमारा इंजन तैयार, क्योंकि हमने सिलेंडर बिठा दिया, अब इसका हम हेड बिठा रहे हैं, और आपको जो है इसका हम टाइमिंग भी दिखाएंगे भाई, टाइमिंग कहाँ होता है। तो इसको हम कर रहे हैं फिट और आपको हम इसका टाइमिंग दिखाते हैं। तो गाइस हमने फाइनली हेड फिट कर दिया है, और इसका मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ। यहाँ दिखाओ, एक ये रहा इसका निशान, मैं आपको दिखा दूँ, और दूसरा आपको हेड में दिख गया क्योंकि प्लेट में दिया हुआ है। तो ये जो निशान है उसके सामने आएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बहुत आसान तरीके से ये बैठ जाएगा, इधर देखो। तो ये देखो, ये हमारा आ गया बिल्कुल टाइमिंग पे, बिल्कुल सामने। और आपको मैग्नेट में दिखा दूँ, मैग्नेट में दिखाओ आप, मैग्नेट में भी निशान दिया हुआ है, दिखाओ आप हल्के से घूम गया, देखो ये रहा इसका टाइमिंग, और ऊपर दिखा दो आप, ऊपर आपका एक पॉइंट आउट है, तो मैं इसको कर देता हूँ सही, बिल्कुल बिल्कुल आ गया हमारा टाइमिंग पे। तो एग्जैक्ट का टाइमिंग बहुत ही आसान तरीका है मिलाने का। अब यहाँ दिखा दो और आप ऊपर दिखा दो, तो हमारा इंजन बिल्कुल फाइनल बन चुका है। तो हम आपको अब स्टार्ट करने के बाद हम दिखा देंगे। तो गाइस हमारी एग्जैक्ट हो गई बिल्कुल फाइनल, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसकी आवाज़ सुनाते हैं। तो ये जो स्टार्टिंग बहुत ही प्यारी हो रही, क्योंकि हाफ किक में हो रही स्टार्ट। तो देखो ये गाड़ी हो गई स्टार्ट, इसकी आवाज़ भी सुना दूँ आपको। तो गाइस आप लोगों को अगर ऐसे लॉन्ग वीडियो देखना है, तो हमारी यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।